नमस्कार दिव्य और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। आज मेरे साथ हैं साजन भैया, जो कि कौवाकोल के प्रखंड कल्याण पदाधिकारी हैं, और ये मेरा भाई, इसे तो आप जानते ही हैं, ये अंचल अधिकारी कौवाकोल के हैं। आज हम लोग आए हैं कौवाकोल के आसपास, जो है बहुत खूबसूरत सा पहाड़ है भाई। इस पहाड़ के गोद को हम लोग एक्सप्लोर करने आए हैं। अब यहाँ से चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या यहाँ सिनारियो दिख रहा है। सामने आप देख रहे हैं बजरंगबली का एक छोटा सा मंदिर है यहाँ पे, जो कि, और यहाँ का सीनरी देखें आप लोग, बहुत खूबसूरत सा है भाई। चारों तरफ का नज़ारा आप लोग, लोग पहाड़ के पगडंडी से चलते हुए यहाँ से पहाड़ की जो मेन खूबसूरती है, यहाँ कहा जाता है कि एक जगह से ऐसा पानी गिरता है, उस जगह के पानी को पीने के बाद खाना जो है आपका जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो हम लोग उस लोकेशन की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि आस पड़ोस के बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं भाई यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं उधर की ओर और देखें ये चारों तरफ कुछ ऐसा सा नज़ारा है भाई, बहुत खूबसूरत और ग्रीनरी से भरा हुआ ये क्षेत्र है। यहाँ देखें कुछ लोग, बच्चे जो है नहा रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। जिस वाटर सोर्स का बात कर रहा था वो यही वाटर सोर्स है। ये जो आप देख रहे हैं ये पानी जो निकल रहा है, ये 365 डेज निकलते ही रहता है भाई, इससे पानी कभी ख़त्म नहीं होता और निकलते ही रहता है। और इसे, इस पानी को जब आप पियेंगे तो आपका खाना बहुत जल्दी पच जाएगा। यही वो वाटर सोर्स को देखने के लिए हम लोग चल के आए हैं। और भी आगे बहुत सारा सीनरी है, यहाँ से चलते हैं सब आप लोग को दिखाते हैं। ये पहाड़ का जो, जहाँ पे रास्ता एंड हो जाता है, इसके बाद जो है आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। इधर चारों तरफ देख सकते हैं, इधर ये यहाँ आके ख़त्म हो गया है, चारों तरफ अब पहाड़ ही पहाड़ है। वो वाटर सोर्स तो दिखा दिया, अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से। और जैसा कि देख रहे हो बैकग्राउंड में दिख रहा होगा आपको, बारिश भी बहुत। तो भाई कौवाकोल पहाड़ का आज का जो भी हम लोग को, आप लोग को दिखाना था, आज का आपको, आप लोग को दिखा चुके हैं। और यहाँ पे पास में ही एक बोलता पहाड़ है, वहाँ जब हम बोलते हैं तो आवाज़ उधर से वापस आती है। अगले एपिसोड में, अगले ब्लॉग में आप लोग को उस पहाड़ से भी रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। जल्द ही मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ।